पूजा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार एवं उत्तर प्रदेश तथा भारत के अन्य भागों में मनाई जाती है। यह त्योहार पश्चिमी बंगाल, झारखंड, असम और मॉरिशस व नेपाल में भी मनाया जाता है। छठ पूजा को डाला छठ के नाम से भी जाता है। यह त्योहार पति की दीर्घायु और संतान सुख की कामना के लिए मनाया जाता है। 36 घंटे के इस निर्जला व्रत के लिए भक्तजन पूर्व से ही तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं। भारत के पूर्वांचल हिस्से से शुरू हुए छठ पर्व की रौनक अब भारत के अनेक हिस्सों में दिखाई पड़ने लगी है। दिवाली के बाद से ही महिलाएं इस अनुष्ठान को लेकर तैयारियां शुरू कर देती हैं। इस पर्व के पहले दिन व्रती महिलाएं चने की दाल, लौकी की सब्जी और रोटी का सेवन करती हैं। दूसरे दिन छोटी छठ को रात में गुड़ की खीर का सेवन करके व्रत शुरू कर देती हैं। उसके अगले दिन दिन भर व्रत रखने के साथ ही डूबते सूरज को अर्घ देती हैं। उसके अगले दिन उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। सुख समृद्धि के प्रतीक सूर्य देव की कृपा धरती के सभी जीव जंतुओं पर बनी रहे, इसका वरदान मांगती हैं। छठ पर्व पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। 7, 11, 21 व 51 प्रकार के फल, सब्जियों व अन्य पकवानों को बांस की डालियों में लेकर व्रती महिला के पति या फिर पुत्र घाट तक जाते हैं। घाट पर पंडित के माध्यम से पहले शाम को और फिर सुबह गाय के कच्चे दूध से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। घाट तक जाते समय महिलाएं छठ मैया के गीतों की गाती हैं और सूर्य उपासना के बाद घाट पर दीपावली जैसा माहौल बन जाता है। नाम है आपका? अधिक श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी बताइए, छठ के आप पूजा कर रहे हैं, आस्था रखते हैं जी, किस कारण मतलब ये व्रत, ये जो त्योहार मनाया जाता है जी? जी, ये पति के लंबी उम्र की कामना के लिए और बच्चों के लिए, और ये लगभग 36 घंटे का बहुत कड़ा त्योहार है व्रत का। महिलाओं के लिए बहुत कड़ा त्योहार होता है, और इसमें यह भी होता है कि अगर कोई लेडीज़ अगर प्रॉब्लम में है, बीमार है, कुछ भी हो, तो उसके हिस्से का व्रत उसका पति रखता है। क्या नाम है आपका? मेरा श्रीवास्तव। मेरा जी, छठ की जो पूजा करते हैं क्या है, पूरी मतलब बताएंगे विस्तार से? हाँ, ये छठ पूजा जो है बड़ी पर्व का त्यौहार है। भैया दूज के बाद इसकी तैयारी चलने लगती है, और यह व्रत जो है 36 घंटे का होता है। पहले दिन जो है खरना होता है, जिसमें रोटी और मीठे चावल खाए जाते हैं, और दूसरे दिन निर्जल रखा जाता है, शाम को अर्घ दिया जाता है डूबते सूरज से पहले, और उसके बाद प्रातः सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। और यह व्रत जो है पूरे परिवार के लिए और घर में सुख शांति के लिए और बेटे के लिए व्रत किया जाता है। कितने घंटे का व्रत रखा जाता है? ये 36 घंटे का। अच्छा, सूरज को जो अर्घ देते हैं उसका क्या महत्व है? मतलब प्रातःकाल का सूर्य देवता का अर्घ देना होता है, इसलिए डूबने से पहले सूर्य को अर्घ दे दिया जाता है, और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। मैं आपका संतोष जी, आप छठ मैया की मतलब पूजा करते हैं, क्या है आधार, किस आधार से मनाते हैं? क्या मतलब, जैसे आपकी आस्था है तो क्या क्या मतलब इसमें व्रत में रखा जाता है, कितना बड़ा व्रत होता है? ये बहुत बड़ा व्रत है, 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है, और सभी प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं इसमें, पकवान सूर्य पकवान चढ़ाए जाते हैं। इसमें महिला पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं या? दोनों रखते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden,
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।